animal and human. So that exactly same type of bond is given in this chapter that we have to study thoroughly. So let's continue reading the lesson and let's start understanding it line by line. It is on the page number 113. I'll begin reading the lesson. I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. मैं ब्रूनो के साथ शुरू करूंगा अपनी ये कहानी. ब्रूनो ऑफ कोर्स कौन है? मेरी वाइफ का एक पेट है, ठीक है, मेरी वाइफ का एक पालतू जानवर है. स्लॉथ बियर, जानवर कौन सा है? बियर है. बियर के काफी टाइप्स होते हैं, तो उसमें से ये बियर जो है वो स्लॉथ बियर. आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट. मैं ही उसके लिए, अपनी वाइफ के लिए मैं ही लाया था, पर कैसे? एक्सीडेंट से मुझे ये मिल गया था. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रास्ते पे जा रहे हो रेनी सीजन में और आपको कोई मैडम दिख जाए और फिर आप उस मैडम को पालो, क्रॉस ओवर करो, तो वो फिर वो आपका पेट बन जाता है. तो आपने वो पेट खरीदा नहीं है, आपको वो एक्सीडेंट भी मिल गया. तो इसी तरह से राइटर पॉइंटर्सन को भी वो एक्सीडेंटली मिल गया था और उन्होंने अपनी वाइफ को एज अ प्रेजेंट दे दिया और इसीलिए वो जो बियर था वो अपनी वाइफ का. अब उन्हें ये ब्रूनो कैसे मिला राइटर को, वो जानते हैं. टू इयर्स अगो वी वर पासिंग थ्रू द शुगर कैन फील्ड नियर मैसूर. दो साल पहले वो लोग मैसूर के पास गन्ने के खेत से गुजर रहे. शुगर कैन फील्ड यानी गन्ने के खेत. पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड्स बाय शूटिंग एट दैम. वहां पे जो लोग थे वो फील्ड में जो पिग्स घुस आए थे उनको भगा रहे थे. और कैसे भगा रहे थे? उनकी तरफ शूट करते, ऐसे मारते नहीं है उनको, हंट नहीं करते हैं, बट ऐसे ही शूट करते हैं ताकि आवाज की वजह से बहुत से भाग जाए. सम वेयर शॉट एंड सम एस्केप. हालांकि इस भीड़ भाड़ में कहीं ना कहीं किसी को गोली लग जाती है, तो किसी को गोली लग गई और कोई भाग कर चले गए. एस्केप. वी थॉट दैट एवरीथिंग वॉज ओवर when suddenly a black sloth bear came out painting in the hot sun. हमें लगा जब हम रास्ते पे से जा रहे थे सब कुछ हो गया, उन्होंने मार दिया, भगा लिए पिग्स को, तो अब कोई कुछ है नहीं, अब हम आराम से रोड पे से पास हो सकते हैं. लेकिन जब हम रोड पे से पास होने लगे तभी अचानक तुरंत क्या हुआ? एक sloth bear पेंटिंग करता हुआ, हाफता हुआ हमारे गाड़ी के सामने आ गया. पेंटिंग करना यानी हाफना. Breathing heavily, I have written here as a backwards. I will not shoot a sloth bear, won't only, but unfortunately for the poor person, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. मैं ऐसे ही फालतू से बिना कोई reason के, for no good reason, what only, सिर्फ मैं ऐसे ही किसी बियर को मारूंगा नहीं, मैं उसको शूट नहीं करूंगा. लेकिन मेरा जो कंपेनियन था, पार्टनर जो था मेरा, वो ऐसा नहीं मानता था. वो तो ऐसा ही मानता था कि जानवर दिल के मार दो. तो उसने क्या किया? तुरंत प्रॉम्प्टली यानी तुरंत उस स्लॉट बियर पे गोली चला दी, शॉट कर दिया उसको. एज वी वॉच दैट द फॉलन एनिमल वी वर सरप्राइज टू सी दैट द ब्लैक फॉर ऑन इट्स बैक मूव द लैग दी प्रोस्टेट बॉल. जैसे ही मेरे कंपेनियन ने उस स्लॉथ बियर को शॉट किया तो उसके बाद वो एनिमल जमीन पे गिर गया. लेकिन जैसे ही वो जमीन पे गिरा तो मैंने देखा कि उसके पीठ के पीछे फर मूव हो रहा है. फर यानी उसके बाल जो होते हैं बियर के ऊपर, ठीक है, तो वो बाल उसके मूव हो रहे थे. की जो प्रोस्टेट बॉडी थी, प्रोस्टेट यानी ऐसा उल्टा लेट जाता, ठीक है, तो वो जब उसको शॉट किया गया तो वो ऐसा उल्टा लेटा हुआ था, लेकिन उसके पीठ पे के पीछे कुछ हिल रहा था. क्या हिल रहा था ये? देन वी सॉ इट वॉज अ बेबी बियर दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक व्हेन द सडन शॉट हैड किल्ड हर. तब हमें पता चला कि उसके पीठ के ऊपर एक छोटा सा बियर है, बेबी बियर है,
बेचारा अब बेबी बियर करता क्या? अपनी मम्मी की जो प्रोस्टेट बॉडी पड़ी हुई थी उसके इर्द गिर्द घूमने लगा और नॉइस करने लगा, रोना रोने लगा, पिटीफुल नॉइस। यानी उसके पूंछे, उसके गले से आवाज आ रही थी एकदम बिल्कुल रोने जैसे। आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर। मैं उसकी तरफ भागा कि मैं उस बेबी बियर को उठा लू। आई स्कूटेड सॉरी इट स्कूटेड इन टू द शुगर कैन फिल। लेकिन वो स्कूटेड का मतलब साइड में लिखा हुआ है रन में, लेकिन वो भाग कर शुगर कैन फिल में चला गया, गन्ने के खेत में चला गया। फॉलोइंग इट, फॉलो करना यानी पीछा, मैं भी उसका पीछा करने लगा। माय कंपेनियन किसके साथ पीछा करने लगा? मेरे कंपेनियन मेरे पार्टनर के साथ, हम दोनों ही उसका पीछा कर रहे थे। आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाई द स्कर्फ ऑफ इट्स नेक व्हाइल इट स्नैप्ड एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी विद इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लॉज। फाइनली मैं उसको पकड़ने में कामयाब हो गया। मैंने उसको कहाँ से पकड़ा? उसकी गर्दन से पकड़ा। मैंने उसको उसकी गर्दन से पकड़ लिया, लेकिन उस वक्त वो क्या कर रहा था बेबी बियर? वो मुझे स्नैप कर रहा था, यानी झटका दे रहा था, यानी मेरे पंजे में से छूट देना चाह रहा था। एंड ट्राई टू स्क्रैच मी, और फिर मुझे वो स्क्रैच कर, एनिमल अपना ऑफकोर्स प्रोटेक्ट तो करेगा ना अपने आप को। तो एनिमल क्या कर रहा था वहां पे? बियर क्या कर रहा था? मुझे स्क्रैच करने की कोशिश कर रहा था। किसकी मदद से? अपने लॉन्ग हुक्ड क्लॉज की मदद से। वी पुट इट वन ऑफ द गनी बैग्स वी हैड ब्रॉट, एंड व्हेन आई गॉट बैक टू बैंगलोर आई डली प्रेजेंट इट टू माय वाइफ। मैंने उस बेबी बियर को एक गनी बैग में डाला। गनी बैग यानी वो आप सैक रेस करते हो ना, सैक, हाँ, तो उसमें जो सैक होता है उस गनी बैग में। तो हमने उसको गनी बैग में डाल दिया। और फिर जब मैं बैंगलोर गया तो मैंने ऐसे ही अपने वाइफ को दिखाया था कि मुझे ये रास्ते में मिल गया। डली डली यानी इंटरेस्ट, बिना इंटरेस्ट। मैंने ऐसे ही उसको दिखाया। मैं उसको कोई सरप्राइज वरप्राइज देना नहीं चाहता था कि मैं देख के सरप्राइज आया, ऐसा कुछ नहीं था। वो ऐसे ऐसे ही बोल दिया कि देख मैं इसको ये रास्ते में मिल गया, मैं उठा के ले आया। ठीक है, शी वॉज डिलाइटेड, लेकिन मेरी वाइफ काफी खुश हो गई। शी एट वंस यानी तुरंत इमीडिएटली, शी एट वंस पुट अ कलर रिबन अराउंड इट्स नेक एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कॉक वाज अ बॉय शी क्रिस्टेंड इट ब्रूनो। उसने तुरंत ही एक अच्छे से रिबन लाई और उसके गले में पहना दी। ठीक है, और फिर जब उसे पता लगा कि ये जो बेबी बियर है वो लड़का है, तो उसने उसका नाम रख दिया ब्रूनो। क्रिश्चियन करना यानी नाम रखना। हाँ, आपको तो देखा मैम, देखो कोई रिलीजन का नाम है कोई बात नहीं, क्रिश्चियन रिलीजन का नाम है, लेकिन हमारे इंग्लिश में एक वर्ड के दो मतलब होते हैं। तो यहाँ पे क्रिश्चियन का मतलब है किसी को नाम देना, नाम करना। ठीक है, तो उसने उसको नाम दे दिया ब्रूनो। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल। टुक टू यानी आदत पड़ जाना, हैबिट हो जाना। ब्रूनो को जल्दी आदत लग गई बॉटल से मिल्क पीने की। इट वॉज बट अ स्टेप फॉर द एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स। एक स्टेप आगे की बात करूं तो एक ही हफ्ते में वो बाकी सारी चीजें भी खाना और पीना सीख गया। एंड एवरीथिंग इज राइट वर्ल्ड फॉर ही एट पॉरेज मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट वेजिटेबल फ्रूट्स नट्स मीट करी राइस रिगार्डलेस द कंडीमेंट्स एंड चिलीज ब्रेड एग चॉकलेट स्वीट पुडिंग आइसक्रीम एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी वो ये सारी चीजें खाने लगे, जो जो यहाँ पे नाम दिए हैं वो सारे। एज फॉर ड्रिंक, अगर ड्रिंक की बात करूँ तो वो क्या पीता था? मिल्क टी कॉफी लाइम जूस इलेक्ट्रेट वाटर। इलेक्ट्रेट यानी स्पार्कलिंग वाटर, सोडा। ठीक है, सोडा वाला पानी। बटर मिल्क बियर अल्कोहलिक लिकर एंड इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड। अगर ड्रिंक की बात करूँ तो वो ये सब कुछ पीने लगा था। इट ऑल वेंट डाउन विथ रेलिश। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, रेलिश यानी खुशी से, एंजॉयमेंट। सब कुछ हम लोग काफी
Good luck to you.